मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करूंगा, अपने गुरु को प्रणाम करूंगा और ऊपर वाले का नाम लेकर ये कहूंगा कि मैं बहुत धन्यवाद मानता हूं सोनिया जी का, उनके संपूर्ण परिवार का। मैं जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको अपने दिल से आज प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, माता पिता प्रत्यक्ष देवता हैं। सभी को प्रणाम करते हुए मैं सर्वप्रथम ये कहूंगा कि जिस तरह से शिंदे साहब ने और गुरुदास जी ने मेरी हौसला अफजाई की है, मुझे सम्मान दिया है, मैं इस सम्मान की लाज रखने का पूरा प्रयास करूंगा। और पहले मैं देखूंगा, सुनूंगा और देखने और सुनने के बाद मुझे जो समझ में आएगा और अब तक जो मैंने जाना है समझा है उसका एक अच्छा एक हिसाब लगाकर मैं आप लोगों के सामने बोलना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बोलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी का काम जो मुझे सौंपा गया है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला मुझसे ऐसा ही करवाए जिससे मेरे संपूर्ण परिवार की हर वो शख्स जो मुझसे प्यार करता है, हर वो व्यक्ति जो मेरे प्रति स्नेह रखता है, उनका सम्मान बढ़े, हमारे परिवार का सम्मान बढ़े। और इसी तरह से जिस तरह से शिंदे साहब ने और गुरुदास जी ने और सोनिया जी ने मुझे आशीर्वाद दिया उसकी लाज बनी रहे। धन्यवाद। मैं तमाम सवालात के जवाब दूंगा, आप सारे प्रश्नों के उत्तर जो है मैं दूंगा। सर्वप्रथम मैं जाऊंगा अपनी विरार गांव की जुदानी माँ के पास, वहाँ से उनसे आशीर्वाद लूंगा और जुदानी माँ से वहाँ से निकलने के बाद मैं बरसों बाद उस लोकल ट्रेन के दर्शन करूंगा जो मैंने वर्षानुवर्ष जिसमें सफ़र किया है, उन लोगों के साथ मुलाकात करूंगा ट्रेन में, बस में, और देखूंगा कि जिस समय मैं ट्रेन में सफ़र करता था और आज ये जब कर रहे हैं तो उसमें क्या अंतर है। मेरी मम्मी जब लोकल ट्रेन में सफ़र करती थी उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी। मैं ये जो अंधेरी स्टेशन है, इस स्टेशन के बाहर मैं एक बार 15 मिनट रोया क्योंकि मेरी मम्मी जो है ट्रेन नहीं पकड़ पाई थी। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बहुत सारी माताएं जो हैं जो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाती, ट्रेन में चढ़ना जिनके लिए एक विषय है, बस में बैठना जिनके लिए एक विषय है, रास्ते पे चलना जिनके लिए एक विषय है, मैं कोशिश करूंगा उसके बाद सबसे पहले इन विषयों को पहले मैं जाकर देखूंगा, समझूंगा, जानूंगा, फिर इनके प्रति मैं बोलना शुरू करूंगा। धन्यवाद। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ये सेवा में नहीं होता। सेवा एक भाव है, इस भाव के बहाव में बहना है और इसके अंदर इस किस्म की बातें जो हैं वो हृदय के अंदर तुलना लाती है, और तुलना अपने आप में जो है एक मुझे लगता है छोटा भाव। बड़ा भाव यह है कि सब सेवा में मौजूद है, सबका हाथ मिला हुआ है और सबका हाथ हाथ के साथ है। गोविंदा जी, अभिनेता और कार्यकर्ता में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? अभिनेता और कार्यकर्ता, देखिए हर जगह अपनी अपने जगह पर स्थान पर बैठा हुआ हर व्यक्ति जिसने कुछ कर दिखाया है वो शान है, और जो कार्यकर्ता के साथ जुड़कर देश के लिए करता है वो महान है। मुझे लगता है कि ये सारी ही बातें, इवन देवताओं की मूर्तियां क्या और बड़े बड़े व्यक्तित्व क्या और सभी बड़े नेता क्या, ये सभी लोग जो हैं ये इनके सभी कार्य में दूसरों का हाथ होता है साथ में, और वो सद्भावना के साथ में प्यार के साथ मिला रहता है तो वो उस व्यक्ति को मौका मिलता है बताने का कि वो क्या कर सकता है। आप लोग सब अपना हाथ, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना स्नेह मेरे साथ रखिए, आप सबका तो आशीर्वाद ही है, तो कुछ ना कुछ हर बार आपको नया कुछ करके दिखाएंगे। कुछ होगा तो कुछ होगा ऐसा मैं नहीं सोचता, हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा। फिल्म इंडस्ट्री का कितना आशीर्वाद है गोविंदा जी आपको? फिल्म इंडस्ट्री का तो मैं बच्चा हूँ, इस परिवार से निकला हूँ मैं, और कला जो है मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि कलाकार काफ़ी आ रहे हैं, मैंने उत्तर में ये कहा कि काला हो उससे बेहतर है कि कला हो, और हर व्यक्ति जो अपनी जगह पर उच्च स्तर पर बैठा है वो कलाकारी है, चाहे वो किसी भी कला का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे वो प्रश्न पूछने वाला क्यों ना हो,
चाहे वो टेलीविजन पे सवाल क्यों पूछता क्यों ना हो, वो कलाकारी तो है। बहुत अंदर घुटन महसूस होती है और बहुत घोटता है आदमी, तब जाकर एक नया चीज़ निकलती है उसके मन से कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो जाकर कुछ उन्नति हो। कुल मिला के लक्ष्मी की तह में कला है, शक्ति की तह में कला है, गंगा जमुना की सरस्वती जो है उनके बीच में बहती है। कला का स्थान जो है वो हर जगह रहा है और उसकी रक्षा, उसका आशीर्वाद लेकर मैं बड़ा हूँ। देखिए अभी आगे क्या होता है। आपके क्या साथ सितारे आएंगे क्या आपके साथ चुनावी प्रचार में? मैंने अभी अभी कहा, मैं पहले देखूंगा, सुनूंगा, फिर बोलूंगा, बाद में बात करेंगे। गोविंदा जी आखिरी सवाल। गोविंदा जी, अभी आपने कहा कि बस और ट्रेनों में सबसे पहले जाएंगे आप, ये बताएं कि बस में अभिनेता जाएगा कि नेता जाएगा? दोनों। आप दोनों को अलग मत कीजिए और ये मत सोचिए। मुझे लगता है कि हर आदमी जो अपने दिल के अंदर भावना रखता है, सेवा भाव रखता है, वो अपनी जगह पर कुछ बड़ा ही है। और ऐसा हर आदमी जो है वो मिलकर कुछ होता है। जरा जरा दरिया